दोस्तों बिग बॉस के कल आने वाले एपिसोड में विवेंडिसेना और शहद पांडे का हमें झगड़ा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, विवेंडिसेना ने बनाई है दाल का तड़का। जी हाँ, विवेंडिसेना कहते हैं सभी घर वालों को कि दाल का तड़का अभी बचा हुआ है, किसको तड़का चाहिए। जहाँ पर शहद पांडे कहती है मुझे चाहिए, जहाँ पर विवेन दोस्तों शहद से बोलते हैं सभी ने मुझे प्लीज़ करके मांगा है, तो तू भी बोल प्लीज़ मुझे दे दीजिए तड़का। जहाँ पर भाई बात करें तो शहद कहती है कि मत डाल मुझे। जहाँ पर बात करें तो प्लीज़ वगैरह मेरे से नहीं बोला जाता। भाई शहद पांडे का एटीट्यूड है, वो किसी के आगे बिना फालतू की झुकती नहीं है। जहाँ पर वो कहती है बिना फालतू का मैं प्लीज़ क्यों मांगूँ। जहाँ विवेन कहते हैं कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ तुम्हारा। जहाँ पर शहद कहती है कि आपने कहा था कि किसको तड़का चाहिए, तो मैंने कह दिया कि मेरे अंदर डाल दो। जहाँ पर भाई विवेन कहते हैं तो प्लीज़ बोलने में तू छोटी थोड़ी हो जाएगी। जहाँ पर शहद कहती हैं जब मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट की ही नहीं तो मैं क्यों बोलूँ किसी को प्लीज़। जहाँ पर भाई बात करें तो विवेन कहते हैं कि इस तरीके से बोलेगी तो मैं उसको दोस्तों अपने अंदाज में तड़का दूंगा। भाई विवेन आपको कोई बात करे तो कुछ बोल दे तो आपको गलत लग जाता है, लेकिन भाई आप किसी को भी ऐसे बोल रहे हो कि प्लीज़ बोल कर को, आपको यहाँ घर के नेता हो क्या? यहाँ आप बिग बॉस की लाडले हो, कलर्स की लाडले हो, भाई इन घर वालों की लाडले नहीं हो। जिस तरीके से भाई विवेन को ऊपर सड़ाया है ना बिग बॉस ने, तो उनकी दोस्तों बात करें तो लिमिटनेस भी दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रही है। वो अपने आप को नेता घर का समझ रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। भाई बिग बॉस के घर के अंदर सभी बराबर होते हैं, और जो इस तरीके की भाई बातें करता है वो बेवकूफ़ का बच्चा निकलता है, जिस तरीके से OTT2 में अविनाश निकला था। भाई जिस तरीके से भाई विवेन आज के प्रोमो में दिखे हैं वो तो बिल्कुल भी गलत है। बाकी दोस्तों हम एक प्रोमो के आधार पर किसी को जज भी नहीं कर सकते हैं, दोस्तों विवेन के फैंस हैं, तो आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे कि क्या होता है असली चेहरा। लेकिन जिस तरीके से भाई प्रोमो में दिखे हैं तो विवेन बिल्कुल भी गलत हैं, 100% भी गलत हैं। यहाँ पर शहद पांडे सीधे सीधे सही दिखती हुई नज़र आ रही। बाकी दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप किसके सपोर्ट में, शहद पांडे या विवेन डिसेना के, कमेंट करके ज़रूर बताएं।